जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांड ऑफ एडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी की जॉब प्रोफाइल, कि एसएससी जीडी के द्वारा आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो, कौन कौन सी पोस्ट में जा सकते हो, कौन कौन से कमांडो बन सकते हो और उनकी सैलरी क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि एसएससी जीडी के द्वारा आप 8 फोर्स में जा सकते हो। कितने में? 8 फोर्स में। 8 फोर्स में एसएससी जीडी के द्वारा आप जा सकते हो, ठीक है। अब बताऊंगा कि कौन कौन सी फोर्स है और उनकी क्या क्या ड्यूटीज है और उस फोर्स की क्या खास बात है, ठीक है। तो अच्छे से बने रहिए आप एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऊपर से नीचे की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, आपने इसका ये लोगो देखा ही होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। ये ज्यादातर सिविल ड्रेस में ही रहते हैं, इनकी कोई विशेष फोर्स की तरह ड्रेस नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी जिसमें सबसे हाईएस्ट मेरिट जो रहती है वो रहती है एनआईए की। सबसे ज्यादा मेरिट रहती है एनआईए की। उसका रीजन क्या है? इसकी ड्यूटी दोस्तों, ये सीबीआई की तरह जिस प्रकार से सीबीआई काम करती है उसी प्रकार से एनआईए काम करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में। ये संपूर्ण देश में, किसमें? संपूर्ण देश में आतंकवादी गतिविधियां, कौन सी? पूरे देश में आतंकवादी गतिविधियां विशेष रूप से या बाहरी रूप से कोई भी किसी भी चीज का जैसे निर्यात आयात होता है उस पर विशेष कार्रवाई करती है। आप बोलोगे सीबीआई और एनआईए में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं, आपने इस प्रकार के कोर्ट में देखा होगा एनआईए वाले इस प्रकार का कोट या लेदर एक टी शर्ट पहनते हैं जिसके पीछे एनआईए लिखा रहता है, आगे इस प्रकार से लोगो लगा रहता है। अब आप बोलोगे कि सर सीबीआई, एनआईए या सीआईडी, इनमें फर्क क्या है? दोस्तों आपने देखा होगा जैसे चाहे सीबीआई हो या सीआईडी हो, ये क्या करते हैं? ये आंतरिक सुरक्षा के जो केस होते हैं उनके साथ साथ जैसे पैसों के लेनदान से संबंधित, जैसे अगर विजय माल्या विदेश गया तो उससे संबंधित कार्रवाई भी सीबीआई को दे देते हैं, किसी का मर्डर हो गया उससे संबंधित कार्रवाई भी सीबीआई या सीडीआई को दे देते हैं। लेकिन जो एनआईए वो इस प्रकार का काम नहीं करती। एनआईए किस प्रकार का काम करती है? एनआईए सिर्फ अंतरराष्ट्रीय यानी देश में जो होने वाली बाहरी जो गतिविधियां होती है, कौन सी? आतंकी गतिविधियां, आतंकी जो गतिविधियां होती है उसके लिए विशेष रूप से बनाई गई है एनआईए। ये कब बनाई गई थी? इसका विशेष काम क्या था? जब मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद में संसद हमला हुआ था, संसद हमले तक हमारे देश में ऐसी कोई भी विशेष एजेंसी नहीं थी जो बाहर से गतिविधि आतंकी रूप से या ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो उसके लिए एनआईए का गठन किया गया था। इसकी जो ड्यूटी होती है वो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित ड्यूटी होती है। अगर बात करें इसकी सैलरी की तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसके? गृह मंत्रालय के अधीन आती है ये। इसकी सैलरी एसएससी जीडी के द्वारा बाकी सबको मिलती है उतनी, 21,700 बेसिक पे मिलती है, ठीक है। उसके अलावा अलाउंस जो मिलते हैं एचआरए, डीए, इसके अलावा और भी जितने जैसे अलाउंस हो गए वो सभी मिलते हैं। यानी सैलरी सैलरी है जो बाकी सभी डिपार्टमेंट को मिलती है एसएससी जीडी के, वही सैलरी इनको मिलती है। इनकी सर्विस की बात करें तो वही रूल है, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में कि आप 35, कम से कम आपको 20 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। कितने साल की? 20 साल की। और लास्ट आप 59 ईयर के, जब तक आपकी साल 59 हो तब तक आप सर्विस कर सकते हो एनआईए में, ठीक है। और ये पैरामिलिट्री फोर्स ही है, यानी सेंट्रल आर्मड रिजर्व पुलिस फोर्स की तरह गृह मंत्रालय के अधीन आती है, ठीक है, बाकी डिफेंस नहीं है, ठीक है। तो एनआईए काफ़ी अच्छी जॉब है, जिस जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको एनआईए चाहिए तो आपका स्कोर 90+ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में बात करें अब दूसरी, तो वह है एसएसएफ। कौन सी है? एसएसएफ। दोस्तों एसएसएफ की क्या खास बात है? अगर इसकी हम बात करें एसएसएफ के बारे में, स्पेशल सिक्योरिटी सेल भी बोलते हैं इसको, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी बोलते हैं। विशेष रूप से
जो SSF है इसका काम है खुफिया रूप से, कौन से रूप से, खुफिया एजेंसी के रूप में काम करती है। आज तक ये SSF की ड्रेस की फोटो नहीं है, मैं आपको बता दूं SSF में आपको वर्दी की फोटो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। SSF की वर्दी की जो फोटो है आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गुप्त रूप से कार्रवाई करती है, विशेष रूप से ये भारत चीन, भारत और चीन, विशेष रूप से भारत और चीन से होने वाली गतिविधियों के ऊपर ये फोकस करती है। ये जितने भी ऑपरेशन करते हैं वो कौन से ऑपरेशन होते हैं, गुप्त ऑपरेशन होते हैं, यानी हमेशा अंडरग्राउंड रह के ये काम करती है SSF। आपको SSF के बारे में इनकी वर्दी कैसी होती है या ये किस प्रकार की वर्दी पहनते हैं आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, और ये भी SSF की वर्दी नहीं है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बात करें इसकी जो ड्यूटी होती है, आप समझ गए होंगे जब इस प्रकार से ऑपरेशन करते हैं, गुप्त रूप से ऑपरेशन करते हैं, विशेष रूप से भारत चीन से संबंधित आने वाली जो गतिविधियां हैं उनके खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं। अब इनकी जो सैलरी की बात करें तो सैलरी इनकी भी सेम है, जो SSCGD के जितने भी कॉन्स्टेबल CTGD के तौर पे आप लगते हो उन सभी की 21,700 से लेकर 69,100 तक, ठीक है। वही HRA DA मतलब सभी की सभी सैलरी पूरी की पूरी सेम है। ड्यूटी आप इनकी इसकी समझ गए होंगे किस प्रकार से इसकी ड्यूटी होती है। NIA के बाद में सेकेंड हाइएस्ट मेरिट रहती है इसकी, NIA के बाद में सेकेंड हाइएस्ट मेरिट किसकी रहती है, SSF। आप भी अगर देना चाहो तो फर्स्ट चॉइस NIA SSF दे देना, रिस्क के हिसाब से इसमें बाकी फोर्सेस की बजाय कम रिस्क होती है, NIA में भी कम होती है और इसमें भी कम रिस्क होती है बाकी फोर्सेस की बजाय देखे तो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली जो अपनी फोर्स है वो है SSB, कौन सी है, SSB सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों SSB विशेष रूप से कहाँ काम करती है आपको मैं बता दूं, अगर लड़कियों के हिसाब से गर्ल्स या बॉयज दोनों के हिसाब से, वैसे तो ये दोनों के हिसाब से ही वैसे तो ये काफी अच्छी फोर्स है, ठीक है, चाहे लड़कियों के लिए विशेष रूप से अच्छी फोर्स है, क्योंकि इसकी जो ड्यूटी होती है, इसकी ड्यूटी जो होती है वो कहां पर होती है, भारत नेपाल बॉर्डर पर, कहां पर होती है, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर इसकी ड्यूटी होती है। तो आप सभी को पता है भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की मतलब रिस्क नहीं होती SSB को, मतलब सबसे कम रिस्क वाली आप फोर्स बोल सकते हो, सबसे कम रिस्क, सबसे कम रिस्क वाली फोर्स बोल सकते हो SSB। सबसे ज्यादा लड़कियों की फर्स्ट चॉइस SSB होती है, यानी लड़कियों की फर्स्ट चॉइस क्या होती है, SSB होती है। इसके बाद में होती है CISF, इनमें फैमिली परमिशन काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और SSB की जो ड्यूटी है वो भी काफ़ी, ये इसकी जो ड्यूटी SSB की ड्रेस है, SSB दो प्रकार की, जैसे सभी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी दो प्रकार की ड्रेस होती है, एक तो खाकी होती है सरमोनियम ड्रेस है, एक कॉम्बैट ड्रेस होती है, ठीक है। तो इसकी जो ड्यूटी है होती है भारत नेपाल बॉर्डर के अलावा इलेक्शन ड्यूटी भी करती है, और विदेश में आंतरिक सुरक्षा के काम में जितने भी ड्यूटियाँ थी वो सभी करती है, लेकिन जो बॉर्डर ड्यूटी है वो कौन सी करती है, भारत और नेपाल पर और देश के अलग अलग कोनों में ये भी ड्यूटी करती है, और काफ़ी अच्छी फोर्स है, और लड़कियों की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छी है, लड़कियाँ इसमें काफ़ी अच्छी मतलब फर्स्ट चॉइस होती है लड़कियों की SSB में, ठीक है। सैलरी की अगर बात करें SSB में तो वही सैलरी 21,700, HRA की पूरी सुविधा, सभी प्रकार की जो सुविधा बाकी सभी फोर्सेस में मिलती है वो भी इस फोर्स में मिलती है। सैलरी में जो डिफरेंस होता है वो होता है अलाउंस का, अलाउंस का डिफरेंस होता है, क्योंकि जो हार्ड एरिया में ड्यूटी करते हैं उनके अलाउंस ज्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी SSB भारत नेपाल बॉर्डर पे ड्यूटी करती है, इसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी हो गई या धरना विरोधी जो ड्यूटी हो गई देश में, उस प्रकार की ड्यूटियां भी करती है। इससे अगली फोर्स पे अगर हम चलें, इससे आगे अगली फोर्स आती है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, कौन सी, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF विशेष रूप से जो ड्यूटी करती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं NIA SSF और CISF, ये तीन ऐसी फोर्स है जिनकी SSCGD की मेरिट हाईएस्ट रहती है, यानी सबसे ज्यादा मेरिट किसकी रहती है, इन तीनों फोर्स की रहती है, NIA SSF और CISF।
इनकी हर एक स्टेट में आपको टॉप मेरिट रहेगी। क्यों? क्योंकि सीआईएसएफ भी बहुत सारे लोगों की मनपसंद होती है, विशेष करके लड़कियों और लड़कों दोनों की। क्यों होती है, उसका रीजन मैं बता दूं। सीआईएसएफ की जो ड्यूटी होती है वो होती है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो एरिया है उनमें मेट्रो। ज्यादातर जो सीआईएसएफ की जो ड्यूटी होती है वो होती है सिटी के अंदर, कहां पर, यानी बड़े बड़े जो महानगर है उनमें। तो इससे क्या होता है, ज्यादातर सीआईएसएफ के जवानों को फैमिली परमिशन मिल जाती है। किसकी? यानी अपने साथ में फैमिली रखने की सबसे ज्यादा सुविधा किसमें है, सीआईएसएफ में। और यही रीजन है कि इस फोर्स को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, इसीलिए इसकी मेरिट सबसे ऊपर रहती है। साथ में जो इसकी ड्यूटियां हैं वो भी कम रिस्क वाली है, यानी एसएसएफ के बाद में, एसएसएफ के बाद में सबसे कम रिस्क वाली है सीआईएसएफ, ठीक है। इसकी भी रिस्क बहुत कम होती है, इसमें भी बहुत ही कम रिस्क वाली फोर्स है ये, इसकी रिस्क ज्यादा नहीं होती। तो ये भी काफी फर्स्ट हो सकती है। इसकी जो ड्यूटी है मेट्रो में, इंडस्ट्रियल एरियो में, इसके अलावा जो मेट्रो एयरपोर्ट ड्यूटी हो गई, इलेक्शन ड्यूटी करती है, साथ में और भी इंडस्ट्रियल एरिया से संबंधित ड्यूटी करती है, यानी कुल मिला के देश के अंदर ड्यूटी करती है और कम रिस्क वाले एरियो में ड्यूटी करती है। साथ में मैं आपको बता दूं, इसमें छुट्टी बाकी फोर्सेस की बजाय, बाकी फोर्स में अभी प्रेजेंट टाइम में 60 दिन ईएल और 15 डेज सीएल मिलती है, लेकिन सीआईएसएफ में ओनली 30 दिन ईएल और 15 डेज सीएल मिलती है, केवल 45 दिन की छुट्टी ही मिलती है। कितने दिन की? 45 दिन की छुट्टी ही मिलती है, ठीक है। सीआईएसएफ में छुट्टी सबसे कम मिलती है, सिर्फ 45 दिन की छुट्टी मिलती है, क्योंकि इनको फैमिली रखने की सुविधाएं ज्यादा होती है। सैलरी की बात करें तो सैलरी इनकी भी सेम है, 21,700 से लेके 73,100 तक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगली जो फोर्स आप एसएसजीडी के द्वारा देखते हो वो है सीआरपीएफ, ठीक है। सीआरपीएफ अगली जो फोर्स है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ड्यूटीज की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा, अभी प्रेजेंट टाइम में देश की के साथ साथ वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ, ठीक है। सीआरपीएफ सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, देश में भी सबसे बड़ी है, लगभग 3 लाख के आसपास की ये फोर्स है। कितने की? 3 लाख के आसपास इसमें जवान है। सबसे ज्यादा सैलरी इसी में रहती है, सबसे ज्यादा सैलरी सीआरपीएफ में रहती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये, सबसे हाई रिस्क वाले एरियो में काम करती है, हाई रिस्क यानी काफी रिस्क वाले एरियो में काम करती है सीआरपीएफ, जैसे नक्सलवाद विरोधी गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां कश्मीर में, यानी जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी करती है, नक्सल विरोधी गतिविधियों में ड्यूटी करती है, इलेक्शन ड्यूटी, क्योंकि इसकी आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटी है, इलेक्शन ड्यूटी हो गई, आंतरिक सुरक्षा, इसकी कोबरा कमांडो, कोबरा कमांडो के रूप में नक्सल के खिलाफ ड्यूटी करती है, आतंकवादियों के खिलाफ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करती है। सबसे ज्यादा हाई रिस्क वाले एरिया में प्रेजेंट टाइम में जो ड्यूटी करती है वो करती है सीआरपीएफ, ठीक है। सैलरी बाकी इसकी सेम है, इसमें रिस्क अलाउंस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि हाई रिस्क एरिया में ड्यूटी करती है तो रिस्क अलाउंस ज्यादा होते हैं। इसके बाद में अगली जो फोर्स है, फोर्स नहीं, यह है एनएसजी कमांडो, ठीक है। एनएसजी कमांडो आप बन सकते हो, किसमें जाके? एसएससीजीडी के द्वारा आप एनएसजी कमांडो भी बन सकते हो। आपको मैं बता दूं, 53% हिस्सा आर्मी से एनएसजी में और 47% हिस्सा किससे? पैरामिलिट्री फोर्स से। यानी आप इनमें से जो अभी मैंने फोर्स बताई उनमें से कोई सी भी फोर्स में जाके एनएसजी कमांडो बन सकते हो। एनएसजी कमांडो की अगर सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी तो वही होती है, उसके अलावा जो रिस्क अलाउंस मिलता है अभी प्रेजेंट टाइम में समथिंग 20,000 प्लस रिस्क अलाउंस मिलता है, साथ में और भी कई अन्य सुविधाएं एनएसजी कमांडो को मिलती है। एनएसजी कमांडो के बारे में ड्यूटी आपको सभी को पता होगी, ब्लैक कैट कमांडो इनको बोलते हैं। ब्लैक कैट कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है किस प्रोसेस से होती है? आपको 3 मंथ की ट्रेनिंग करनी होती है एनएसजी कमांडो के लिए। किस प्रकार से चयन होता है? आप किसी भी फोर्स में, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, तो उसमें वॉलेंट्री
डाली जाती है कि हाँ मैं एनएसजी कमांडो बनना चाहता हूँ। उसके बाद में आपको वो कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है 3 मंथ का। जैसे आप 3 मंथ का कोर्स कंप्लीट करते हो आप एनएसजी कमांडो बन जाते हो। इसके अंदर आप कम से कम 5 साल की आपको सर्विस करनी होती है, 5 ईयर, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको आपकी यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। मैक्सिमम आप इसमें 6 से 7 साल की सर्विस कर सकते हो। फिर भी आप अगर आगे करने जाते हो तो अगली जो कमांडो में बता रहा हूँ उसमें कर सकते हो। यानी इसकी जो सैलरी है उसमें कितना ऐड हो जाता है, अभी प्रेजेंट टाइम में 20,000 प्लस पैसे ऐड हो जाते हैं। वर्दी आपने देखी होगी एनएसजी कमांडो की, ये कोबरा कमांडो, ये विशेष रूप से आप सभी को पता होगा वैसे तो सीआरपीएफ की एक विशेष बटालियन है। किसकी? सीआरपीएफ की। यानी इसमें केवल वही कमांडो बन सकते हैं जो सीआरपीएफ में जवान हो, ठीक है। इसके अभी प्रेजेंट टाइम में सैलरी प्लस जो मिलती है वो है प्रेजेंट टाइम में 20,000 के समथिंग, यानी 19,700 रुपये के आसपास हाई रिस्क अलाउंस मिलता है। और भी कई प्रकार के कोबरा कमांडो को सुविधाएं मिलती है। प्रोसेस सेम है कि सीआरपीएफ का जवान होना चाहिए, उसको 3 मंथ की ट्रेनिंग लेनी होती है कमांडो की, और ये आप ट्रेनिंग के तुरंत बाद, यानी सीआरपीएफ की जो ट्रेनिंग है उसके तुरंत बाद कोबरा कमांडो बन सकते हो। वर्दी आपने कोबरा कमांडो की देखी होगी, यहाँ पर देखो ये कोबरा कमांडो को टैग है, तो वर्दी आपने कोबरा कमांडो की देखी होगी। ये भी आप एसएससी जीडी के द्वारा एग्जाम देके कोबरा कमांडो भी बन सकते हो। इसके बाद में एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, दोस्तों एसपीजी की, एसपीजी कमांडो भी आप बन सकते हो। एसपीजी और एनएसजी कमांडो बनने की प्रक्रिया सेम है, पूरी की पूरी प्रक्रिया सेम है। फर्क इतना सा कि एसपीजी आप सभी को पता होगा, एसपीजी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, किसको? प्राइम मिनिस्टर को ही प्रोटेक्शन करती है। इससे पहले अभी ये सोनिया गांधी के साथ में भी थी, जिसको अभी हटा दिया गया था, आप सभी को पता होगा मोदी जी के आने के बाद में हटा दिया गया, क्योंकि एसपीजी का जो गठन किया गया स्पेशली वो किसके लिए किया गया था? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए। और उसके बाद में सोनिया गांधी जी को भी थी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे इसलिए उनके एसपीजी का प्रोटेक्शन हटा दिया गया। ये सिर्फ किसको प्रोटेक्शन देती है? प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन देती है। उसके अलावा एसपीजी की जो सैलरी है 21,000 के समथिंग हाई रिस्क, इनका जो अलाउंस मिलता है वो मिलता है। और भी कई सुविधाएं मिलती है, कम से कम इसमें भी 5 ईयर से लेके 6 ईयर 7 ईयर तक आप इसमें सर्विस कर सकते हो। एनएसजी कमांडो भी एसपीजी कमांडो में जा सकते हैं उसके बाद में, और डायरेक्ट भी एसपीजी कमांडो में जा सकते हैं। इसका भी जो रेशियो वो है 47% पैरामिलिट्री फोर्स से और 53% आर्मी से एसपीजी कमांडो बनते हैं दोस्तों। तो ये कुछ कमांडो फोर्सेस है जिनमें आप जा सकते हो। इसके अलावा बीएसएफ, आप सभी को पता है एसएससी जीडी के द्वारा आप बीएसएफ में जा सकते हो। बीएसएफ के बारे में आप सभी को पता होगा, बीएसएफ की ड्यूटी क्या है? भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनकी ड्यूटी है। कहां पर? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान। बीएसएफ का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में कहां पर? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये ड्यूटी करती है। उसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी हो गई और आतंकी गतिविधियां जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से होती है उनके खिलाफ ये ड्यूटी करती है। सैलरी की बात करें तो इनकी भी सैलरी बाकी फोर्सेस की तरह वही सेम सैलरी है, 21,700 से लेके 69,100 तक। छुट्टियों की बात करें तो 60 दिन ईएल और 15 डेज सीएल अभी प्रेजेंट टाइम है। कम से कम आपको वही 20 साल की सर्विस इन सभी में, और ज़्यादा से ज़्यादा 59 ईयर के जब तक आप हो नहीं हो तब तक आप सर्विस कर सकते हो। ये बीएसएफ की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में काम करती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पीछे फोटो आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा कौन सी फोर्स रह गई? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के यानी आईटीबीपी, कौन सी फोर्स है? आईटीबीपी, आईटीबीपी। आईटीबीपी कहां पर ड्यूटी करती है? इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर है उस पर ड्यूटी करती है आईटीबीपी, ठीक है। उसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी, वो सभी प्रकार की ड्यूटी करती है। इनकी जो हिमालय से लगी चोटियों में ड्यूटी करती है आईटीबीपी, ठीक है। इनकी भी ड्यूटी काफ़ी हार्ड मानी जाती है क्योंकि काफ़ी हिमस यानी रिस्क कम होता है, लेकिन बर्फ के कई बहाव के कारण कई बार घटनाएं होती रहती है आईटीबीपी के साथ भी। और काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी लो टाइप की ड्यूटी मानी जाती है आईटीबीपी की। बहुत सारे बच्चों के सपना होता है आईटीबीपी में भी जाने का। और सैलरी की बात करें तो सेम सैलरी है, पेंशन सुविधा सेम है, छुट्टियों की सुविधा सेम है, 60 दिन ईएल और 15 दिन सीएल। सभी की प्रकृति सुविधा अलग है, लेकिन जो ड्यूटी है वो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के रूप में, साथ ही जो इंडिया और तिब्बत के जो बॉर्डर लगते हैं उनके जो इलाके हैं उनमें पुलिस के रूप में भी काम करती है, पुलिस फोर्स के रूप में भी
काम करती है आईटीबीपी। इसके बाद में अगली जो फोर्स है ये असम राइफल, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है दोस्तों। वैसे अगर सही रूप से देखा जाए, किससे देखा जाए, अगर सही रूप से देखा जाए तो असम राइफल सब पे एक ही मात्र पैरामिलिट्री फोर्स है, बाकी जितनी भी फोर्सेस है वो क्या है, आर्मर्ड पुलिस फोर्स है। ये एकमात्र क्या है, पैरामिलिट्री, सही रूप से। बाकी जितनी भी है वो क्या है, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। ये एक ही पैरामिलिट्री फोर्स है, इसीलिए इनकी जो ड्यूटी होती है वो किसके साथ में ड्यूटी होती है, आर्मी के साथ में, आर्मी के साथ में अटैचमेंट ड्यूटी होती है इनकी। साथ में इनको जो ट्रेनिंग होती है वो भी आर्मी की तरह ही होती है, इनको आर्मी की कैंटीन सुविधाएं मिलती है। कौन सी सुविधा मिलती है, कैंटीन, सीपीसी कैंटीन की सुविधा, सीडीएस कैंटीन की सुविधा दोनों मिलती है आर्मी की और जो सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स है दोनों की इनको कैंटीन सुविधा मिलती है। बाकी जितने भी फोर्स है उनको आर्मी कैंटीन सुविधाएं नहीं मिलती है। सैलरी अलाउंस सब बाकी इनके गृह मंत्रालय के द्वारा ही होते हैं, जो बाकी फोर्सेस के होते हैं उनके द्वारा इनकी सैलरी होती है। यानी सैलरी तो सेम है लेकिन अलग से इनको सुविधा क्या मिलती है, एक तो कैंटीन सुविधा मिलती है, एक वर्दी, वर्दी इनको सेम टू सेम आर्मी की मिलती है। किसकी, आर्मी की। उसमें फर्क होता है थोड़ा सा, कैप के जो लोगो होता है उसमें, इनका लोगो इस प्रकार का होता है। आपको मैं दिखा देता हूं असम राइफल की फोटो, ये है असम राइफल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी इन आठ फोर्सेस के बारे में और इनसे बनने वाले कमांडो के बारे में समझ गए हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।